न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी अभी सफ़र का तो इरादा किया है। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद दोस्तों, मैं अवि चौधरी आप सबका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स क्या है हम देखेंगे पहले की तरह, जैसे पहले हमको देखना है इसका फुल फॉर्म देखना है, फिर इसका ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है ये देखना है, फिर ब्रिक्स की स्थापना कब और कहाँ हुई थी ये देखना है, फिर प्रथम और अब तक जो आखिरी सम्मेलन है वो देखना है। तो आइए हम बात करते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होता है, एक्चुअली ये फुल फॉर्म कहें या जो इसका हर एक लेटर, हर एक इसका जो वर्ण है अपने आप में एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे बी, बी फॉर ब्राज़ील, ये जो है ब्राज़ील कहाँ पे है, ये जो साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का या दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। और आर, आर फॉर रसिया, रसिया का कहाँ है, ये एशिया, एशिया महाद्वीप का, और इसका थोड़ा पार्ट जो है यूरोप में लगता है, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। और आई, आई फॉर इंडिया, ये आई जो है इंडिया अपने अपने भारत देश के लिए है। और सी, सी फॉर चाइना, और एस, एस फॉर जो है क्या है, साउथ अफ्रीका। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा विश्व के जितने बड़े देश हैं, अब सबसे बड़ा देश कौन है, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश है, रूस है। मतलब विश्व के बड़े बड़े देश हैं इसमें, रूस है, फिर देखो ब्राज़ील भी बड़ा देश है, फिर चाइना भी बड़ा देश है, फिर इंडिया भी बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, चाइना और इंडिया बड़ा देश है, और जो है साउथ अफ्रीका भी है। तो ये जो है, ये है ब्रिक्स, इसमें जो है पांच देश हैं, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ब्रिक्स क्यों बना, इसका क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी मुद्रा या कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो डॉलर सबसे ज़्यादा मजबूत है, या आप यूं कहें जो है विकसित देशों के सामने खड़े होने के लिए जो है, एक मजबूती से खड़े होने के लिए जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई। जैसे एक डॉलर प्रमुख मुद्रा है और ब्रिक्स देशों का लक्ष्य है कि वो मुद्रा, इस मुद्रा की जगह अन्य मुद्राओं का उपयोग कर उन मुद्राओं को भी विश्व स्तर पर मजबूत करें। मतलब जैसे इस समय जो सबसे जो डॉलर मजबूत मुद्रा है, उसी तरह जो जो ब्रिक्स जो देश हैं इनका उद्देश्य क्या है कि अन्य मुद्राओं का उपयोग करके उनको मजबूत करें। और विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए व्यापार ब्लॉक बनाना इनका जो है एक और उद्देश्य है, जो विकासशील देश हैं इनके लिए एक व्यापार का एक ब्लॉक बनाना है, क्योंकि व्यापार क्षेत्र में विकसित विकासशील देशों पर विकसित देशों का काफ़ी दबदबा है, क्योंकि आप सबको पता है जो व्यापार पर जो है विकसित जो देश हैं उनका पूरे व्यापार पर, मतलब अधिकतम व्यापार पर दबदबा रहता है। इसलिए वही मैंने पहले ही कह दिया कि जो है ब्रिक्स का जब जो संगठन बना, इसका मेन उद्देश्य है ये विकसित देशों के सामने मजबूती से खड़ा होने के लिए जो है ये बना था। तो हम बात करते हैं इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य, इसकी स्थापना क्यों, कब और कहाँ हुई। तो एक जो है 2001 में जिम ओनील थे, ये जिम ओनील थे, ये एक कंपनी थी, गोल्ड सच करके कंपनी थी, अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसका नाम था गोल्ड सेच कंपनी थी। ये एक व्यक्ति, ये अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने द वर्ल्ड नीड बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स नामक एक प्रकाशन किया था। मतलब एक जो है एक अपना लेख निकाला, उसमें इन्होंने क्या किया, क्योंकि अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या किया,
उस दौरान, उस समय 2001 के समय भारत, ब्राज़ील, रूस चाइना या चीन, इनकी जो है जो अर्थव्यवस्था थी, इन पर जो है इन्होंने रिसर्च किया, खोज की और विश्लेषण करने के बाद जो है इसको प्रकाशित किया। मतलब जिम ओ नील जो थे वो गोल्डमैन सैच कंपनी के अध्यक्ष थे। उन्होंने जो है इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर रिसर्च किया और रिसर्च करके जो है इस पर एक लेख जो निकाला, उसमें इन्होंने क्या कहा कि तेज़ी से विकास कर रहे 4 ब्रिक्स देश भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन तेज़ी से विकास कर रहे हैं और आने वाले 50 सालों तक इन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर देशों की अर्थव्यवस्थाओं से बड़ी होने वाली हैं। मतलब ये बात इन्होंने जब बताई तो क्या हुआ, बाज़ार काफ़ी बड़ा और तेज़ी से बढ़ रहा है, ये बात जो है इन्होंने अपने इस लेख में, अपने इस पत्र में बताई। तो जब ये बात इन देशों ने इसको जब पढ़ा, देखा, तो इन लोगों ने क्या किया, 2006 में, वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में जो है ये लोग मिल करके ब्रिक राष्ट्र, तभी जब 2006 में जब ये लोग मिले तो इसमें चाइना नहीं था, चीन नहीं था, इसमें कौन कौन से थे, भारत था, ब्राज़ील था, रूस और चीन था, सॉरी वो साउथ अफ्रीका नहीं था। इसमें ये 4 देश थे उस समय, भारत था, ब्राज़ील था, रूस था, चीन था। चीन ने मिलकर के इसकी स्थापना की। मतलब जब इसकी स्थापना हुई तो 5 देश नहीं थे, बल्कि कितने देश थे, 4 थे। लेकिन जब जो है 2009 में, इसकी स्थापना कब हुई, 2016 में, जब इन्होंने जो है 2016 में क्या किया, इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, कहाँ हुई, न्यूयॉर्क में अधिवेशन हुआ, है ना। लेकिन 2009 में, 16 जून 2009 में ब्रिक्स इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया, 2006 में मिले और 2009 में रूस में ये लोग जो है मिल करके क्या किए, अपना प्रथम सम्मेलन किया। और उस समय दिमित्री मेदवेदेव जो है रूस के राष्ट्रपति थे, कौन थे, दिमित्री मेदवेदेव। और तब जा कर के और तब जा कर के क्या हुआ, इसका प्रथम सम्मेलन हुआ। और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ गया। पहले क्या था, पहले ब्रिक था, एस नहीं लगा था, पहले था ब्रिक। 2009 तक तो ये क्या था, ब्रिक था। लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो क्या हो गया, ये ब्रिक्स हो गया। और 2011 में चीन में आयोजित किए गए शिखर सम्मेलन में इस देश के राष्ट्रपति ने भी भाग लिया। मतलब 2010 में जुड़ गया और 2011 में जब इसका अगला शिखर सम्मेलन हुआ तो इनके राष्ट्रपति ने भी भाग लिया। जून 2021 में ये जो है सम्मेलन हुआ था भारत में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो कौन थे, इसमें जो मेन वो थे, क्योंकि हमारे अपने देश में था, इसमें हमारे पीएम थे, नरेंद्र मोदी थे। तो इसमें और क्या काम हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये 2012 में भारत ने बैंक बनाने का सुझाव दिया। 2012 में भारत ने क्या किया,
इसका मतलब एक बैंक बनाने का सुझाव दे, क्योंकि अगर जब काम कर रहे हैं साथ में तो क्या होना चाहिए, फंड भी होना चाहिए। तो जिससे 2014 में दो वित्तीय बैंक बन गए थे और इसके नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक और नव विकास बैंक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था रखा गया। इसमें क्या किया गया, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था इसमें रखी, मतलब इसमें जो है पैसे की व्यवस्था की गई जिसको किसी अगर फंड की ज़रूरत हो, उन देशों की सार्क देशों की फंड की सॉरी ब्रिक्स देशों के फंड की ज़रूरत हो तो उसमें से ले सकता है। तो इसमें क्या हो, 2014 जुलाई में स्थापित किया गया और इसके इसका संचालन कब हुआ, 2015 में हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है 14 में तो इसको बनाया गया लेकिन इसका संचालन कब हुआ, 15 में हुआ। तो दोस्तों ये जो है ये हो गया। और इसमें आपने इसमें क्या देखा, इसमें ब्रिक्स में जितने देश हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे रसिया हो, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, इनकी जो जनसंख्या है पूरे विश्व की 40% जनसंख्या, पूरे विश्व की 40% जनसंख्या इन देशों के पास है। मतलब पूरे देश एक तरफ, विश्व के सारे देशों की जनसंख्या एक तरफ और इन पांचों देशों की जनसंख्या 40% और बाकी जो अन्य देश हैं उनकी 60%। तो आप समझ सकते हो कितना ये कितना पावरफुल है। दूसरी बात, पूरे विश्व की जो जीडीपी का ये इसकी जीडीपी 30% है, पूरे विश्व की जीडीपी का ये पांच देश जो है इनकी पांच देशों की जो है जीडीपी 30% है। तो ये जो है ब्रिक्स हुआ जिसकी स्थापना आपने देखा, स्थापना देखा और इसमें ना इसके नाम देखें, स्थापना देखा जो है और इसका उद्देश्य देखा, तो उद्देश्य देखा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो इसे आप लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।